हुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मधुरा गांव के उत्क्रमित उच्च विद्यालय की स्थिति बदतर हो चुकी है। बता दें कि इस विद्यालय की इमारतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और सभी कमरे के छत टूट चुके हैं। इसके साथ ही स्कूल में मौजूद बच्चों को इस आधुनिक युग में भी खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। वहीं बरसात में कई दिनों तक स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि पढ़ने के लिए कोई कमरा मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर वो स्कूल में रहते तो खुले आसमानों के नीचे भीगने के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं होता। इसी कारण स्कूल के प्रधानाध्यापक को बारिश आने पर बच्चों को स्कूल में छुट्टी देनी होती है। इसके साथ धूप आंधी तूफानों में भी बच्चों को इसी प्रकार खुले आसमान के नीचे बिना छत वाले कमरे में पढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीत कुमार सिंह ने बताया कि करीब 5 से 6 वर्ष से इस विद्यालय की यह स्थिति बनी हुई है। इसी बदतर स्थिति में बच्चे पढ़ाई करते आ रहे हैं। पूरे मेहरमा प्रखंड की बात करें तो जितने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में है उतने बच्चों का नामांकन पूरे प्रखंड के किसी भी स्कूलों में नहीं है। उनकी स्कूल में कुल 1057 विद्यार्थियों का नामांकन है जिसमें 900 के करीब बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं। कई बार इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़े पदाधिकारियों को की गई। कई पदाधिकारी स्कूल निरीक्षण में भी पहुंचे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति जस की तस बनी हुई है और मजबूरी में हमें बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाना पड़ता है। आप पंखा वाले रूम में बैठे हैं, बच्चों को धूप में बिठा के पढ़ाई करवा रहे हैं सर, खाना खिला रहे हैं, क्यों? धूप में तो नहीं, बरामदा में बैठा हुआ है। एक्चुअली है क्या, मेरे यहाँ मात्र 2 कमरा है और मेहरमा प्रखंड में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट 1027 बच्चे का इनरोलमेंट है आपके स्कूल में, मेरे विद्यालय में। अच्छा, मात्र 2 कमरे हैं। हम वृक्ष के नीचे बैठा के पढ़ाने के लिए विवश हैं। स्थिति ये होता है कि ज़्यादा बारिश होने लगती है, हमको छुट्टी देना पड़ जाता है। अभी स्थिति ये है कि हम बरामदा में बैठा के बच्चे को पढ़ा रहे थे, चूँकि हमको खिलाना भी बरामदा में ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जिस स्थान पर बैठ के पढ़ रहा था उसी स्थान पर बैठ कर वो खा भी रहा है, तो ये स्थिति है। बिल्डिंग की कमी की वजह से वर्षों से इस विद्यालय में बड़े बच्चों की भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जहां पूरे विद्यालय में मात्र 2 ही कमरे हैं सही सलामत है, जिसमें 1 कमरे को स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया जाता है तो वहीं दूसरे कमरे को स्मार्ट क्लास बनाया गया है। वहीं स्मार्ट क्लास में प्रैक्टिकल करने आए बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उसी क्लासरूम में 3री और 4थी क्लास के बच्चों को भी बिठाया जाता है और छोटे बच्चों को पढ़ाने की वजह से बड़े बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मरियम खातून ने बताया कि इस स्थिति में विद्यालय में पढ़ाई करने में उन बच्चों को काफी तकलीफ होती है क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप सीधे उनके माथे पर लगता है और बारिश के दिनों में अचानक आई बारिश से कई बार उनकी कॉपी किताब भी भीग जाती है और उन्हें बिल्डिंग के टूटे फूटे छत से छुप कर बारिश के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह जब से स्कूल में पढ़ रही है तब से स्कूल की हालत इसी प्रकार बनी हुई है और उन्हें लगता है कि अब 10वीं पास हो जाने के बाद भी शायद स्कूल की स्थिति नहीं सुधर पाएगी। नाम है बाबू? मरियम खातून। कौन से क्लास में हो? 8 में हो। इसी में पढ़ती हो तुम लोग? यस। कैसे पढ़ती हो इसमें? देखो अभी भी हवा चल रहा है तो तुम्हारा त्रिपाल उड़ रहा है। उड़ा देता है। बारिश में कैसे पढ़ती हो? इसी में पढ़ती हो? सर को बोलती नहीं हो सर आप बढ़िया वाला कमरा में बैठ रहे हैं हम लोग? तो नाइन्थ क्लास में भी बोलते हैं वो सब बच्चा था आ गया सर क्या करें। अच्छा, तो बोलती नहीं हो सर आप पंखों में बैठते हैं हम लोग को इसमें बैठा। पंखों में भी सर नहीं बैठता है सर, कभी जाके देख लीजिए। सरों पंखों में बैठते हैं? अच्छा, कभी कोई आया नहीं क्या? बोले सर नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा? बोला कि ठीक हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं है क्या? अच्छा, खाना पीना कहाँ खाती है? भी तब तो जो जो बच्चा को भागने का मन होगा वो तो भाग जाता होगा। यस सर। हाँ,